मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ पिछले 6 वर्षों में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 43 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। प्रदेश में एक तरफ जहां शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जा रही, वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन रोजगार युवाओं के सपने को उड़ान देने वाला है। सीएम योगी आज लोकभवन में आयोजित लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के नव चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण एवं ई अधियाचन पोर्टल का उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 500 नव चयनित युवा अधिकारियों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर नियुक्ति पत्र मिलने पर राज्य शासन की ओर से शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगाई है। 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, अब इन युवाओं को देश के किसी भी राज्य में अपने राज्य के बारे में बताने से कोई हिचक नहीं होती। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना स्टार्टअप लगाने, अपना उद्यम लगाने, अपना एमएसएमई स्थापित करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन को अग्रसर किया। इसी का परिणाम है ये उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर 18 और 19% थी, ये घटकर के 3 और 4% के आसपास वर्तमान में आ चुकी है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक लंबी छलांग लगाने जा रही है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की, और इसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ सीधे सीधे जोड़ने में सफलता प्राप्त होगी।